नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, ईएसी चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ईएसी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एचपी 1005 प्रिंटर, जिसमें स्कैनर एरर 20 15 इस टाइप से अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, यानी एरर आते हैं। इसका समाधान करने के लिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये समस्या बहुत ही कॉमन समस्या है और प्रायकर प्रिंटर में ये समस्या आती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं आपको स्कैनर के बारे में सबसे पहले एरर दिखाता हूं, उसके बाद में आपको समस्या का समाधान करके बताऊंगा। तो चलिए, हम इसके बारे में देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों, हमारे पास में ये प्रिंटर है। इस प्रिंटर को हम ऑन करते हैं, अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे आप ये देख रहे हो प्रिंटर है, इस प्रिंटर को मैं जैसे ऑन करूंगा तो ये स्कैनर वाला है, अंदर ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा दोस्तों, ये एचपी 1000 प्रिंटर है, मैं इसको ऑन करूंगा अभी। आप इस डिस्प्ले के अंदर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह है, अभी देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ यह डिस्प्ले, आराम से देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। ये जूम कर लिए, ये मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी स्कैनर एरर बार आ रहा है। इसको मैं वापस ऑफ करके ऑन करता हूँ, वापस ऑफ कर दिया है, वापस ऑन किया है। ये स्कैनर एरर वापस बाहर आ गया है। ये देखिए, बार बार स्कैनर एरर बार आ रहा है। कई बार दोस्तों क्या है, उसमें स्कैनर एरर 20 भी दिखाता है। तो चलिए, हम इसके रिपेयरिंग और इसका समाधान हम आपको बताते हैं, किस प्रकार से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, हम आपको बताते हैं। इससे पहले, सबसे पहले आपके प्रिंटर को पावर ऑफ करके और ये कवर को हटाना है, तो कवर को हटाने के लिए स्कैनर वाला जो ऊपर का ये कवर है इसको हम हटा देंगे। उसके बाद में ये जो स्क्रू है डिस्प्ले पैनल वाला, इस स्क्रू को भी हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद में इसको थोड़ा सा खिसका के खोल लेना है। उसके बाद में ये जो केबल लगी हुई है, इस केबल को आपको हटा देना है, खींच के निकाल देना है। तो ये हमारे डिस्प्ले पैनल है वो अलग कर दिया है। अब आगे क्या करना है, इस पेचकस की सहायता से, ये T10 पेचकस है, इस पेचकस की सहायता से, ये T10 पेचकस है, इसकी पेचकस की सहायता से इस इन स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में
ये इसके अंदर कवर है, इसको हम हटा लेंगे। ये इसके अंदर कवर हटा लिया है। हटाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो स्कैनर बेस है पूरा, ये नीचे वाला स्कैनर बेस, इसकी समस्या होती है। तो आपको करना क्या है, यदि पूरा कंप्लीट, यदि आपने पूरा चेंज कर दिया है ये पूरा स्कैनर सहित, तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। अन्यथा आप केवल ये स्कैनर बेस को भी चेंज करके आप काम चला सकते हैं, आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ये दो स्क्रू है ये भी ओपन करना है। इससे पहले ये दो केबल लगी हुई है, मोटर ड्राइव केबल और ये स्कैनर केबल, दोनों को खींच के निकाल देना है। अब ये दोनों स्क्रू है, स्क्रू को ओपन करके और ऊपर उठा लेना है। ये अलग हो गया पूरा बेस, ये अलग हो गया है। इसके स्थान पे हम दूसरा लगाएंगे, ये हमारे पास में बेस पड़ा है, ये बेस हम लगाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस जैसे आपने ओपन किया था उसी टाइप से पैक कर देना है। ये दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया है और फिर क्या करेंगे, इस केबल को लगा दिया है और ये जो स्कैनर के डाटा केबल है उस डाटा केबल को भी एकदम सावधानीपूर्वक से लगानी है। यदि ध्यान नहीं दिया तो ये प्रिंट खराब हो सकते हैं। ये अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए हम लगा देते हैं, ये लगा दिया और ये जो स्कैनर है बेस पूरा कंप्लीट हमने चेंज किया था उसको हम अलग कर देते हैं। अब वापस सबसे पहले स्कैनर कवर को आपको लगाना है। तो ये स्कैनर कवर है, पहले सबसे डिस्प्ले जो केबल हमने निकाली थी वो डिस्प्ले केबल सही रूप से अपने स्थान से जो आ रही है उसके हिसाब से हमने लगा दिए। अब इन स्क्रू को लगा देना है। ये दोस्तों ये स्क्रू सबसे अलग है, ये डिस्प्ले का है, ये स्क्रू T10 है, ये अलग है। तो आपको अलग वाला एक बार अलग रख देना है और ये T10 वाले सभी स्क्रू हम लगा देना देंगे। तो ये T10 वाले स्क्रू टाइट कर दिया वन बाय वन करके। ये हो गया। अब ये जो डिस्प्ले केबल है उस डिस्प्ले केबल को लगाना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इस डिस्प्ले केबल के अंदर ये पिन इस साइड में है तो डिस्प्ले केबल की भी पिन इस साइड में आनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये आपके सामने नजर आ रही है। तो ये लगा दिया है, लगाने के बाद में ये जो लॉक है ये लॉक यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको सीधा रख के ऊपर की तरफ खिसका देना है। ये हो गया, स्क्रू टाइट कर देते हैं। ये स्क्रू को लगा दिया है। अब दोस्तों ये जो कवर है इस कवर को इंस्टॉल कर देंगे। ये कवर को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम देखते हैं ऑन करके प्रिंटर को, अब देखते हैं स्कैनर के बारे में। तो चलो हम देखते हैं, ये प्रिंटर को ऑन कर लिया है, ये डिस्प्ले आग ये स्कैनर है ये भी आराम से जा रहा है। और ये रेडी लिखा हुआ आ गया। तो अब यदि हम आपको ओपन करके दिखाते हैं और इस स्कैनिंग वाले बटन से स्कैन करते हैं तो ये जैसे मैंने प्रेस किया है तो स्कैनर पूरा चलेगा। ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है। तो मैंने पेपर नहीं लगाया है इसीलिए, बाकी एकदम आराम से चल गया। अब मैं आपको जूम करके ये वापस दिखाऊंगा स्कैनर एरर के बारे में।
कि अभी हटाए या नहीं हटाए। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ, ये मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि देखिए इंस्टॉलिंग का नाम आ रहा है, ये रेडी आ गया है। इसका मतलब दोस्तों ये समस्या थी उसको हमने समाधान कर लिया है, और ये इसी कारण से समस्या आती है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। दोस्तों आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जैसे जैसे आप लाइक और शेयर करोगे मैं इसी टाइप से मैं आगे से आगे नए से नए वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल और मेरा वीडियो देखने के लिए।